हेलो, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम बात करेंगे व्हाई एच आर नॉट रिस्पॉन्डिंग योर कॉल, ईमेल एंड व्हाई एच आर नॉट सेंडिंग योर ऑफर लेटर। सो देखो, इन सभी पीछे का कारण एक ही अच्छा, है, और एच आर क्यों आपको रिस्पॉन्स नहीं करती है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, जिन भाई और बहनों को जैसे ऑफर लेटर मिल चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर जिनका इंटरव्यू हो चुका है, टेक्निकल राउंड हो चुका है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं और वो ऑफर लेटर के लिए वेट कर रहे हैं, उनका रिव्यू या प्रीव्यू जो भी है उनको दिख रहा है, स्टेटस क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप सिलेक्टेड हो, नहीं सिलेक्टेड हो, या आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपका रिस्पॉन्स, एचआर का रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है आपके पास। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अधिकतर मुझे कॉल आया है इन्फोसिस के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिन भाई और बहनों को एचआर ने बोल दिया है कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद एक या 2 वीक तक अगर एचआर का रिस्पॉन्स नहीं आता है, अगर स्टेटस में रिव्यू दिख रहा है कि रिव्यू इज पेंडिंग, सो आप वेट करो, 1 महीना तक भी वेट कर सकते हो ऑफर के लिए। देखो, सैलरी ऊपर से कंफर्म कराने के लिए, मैनेजमेंट लेवल तक कंफर्म कराने के लिए टाइम लगता है। एक आफी का ऑफर नहीं है, बहुत सारों बंदों का ऑफर होता है जिसके कारण लेट लगता है। ये हो गई बात। एचआर आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर चुकी है, कॉल नहीं आया अभी तक, क्या करें? सिंपल सा एक है, जिस पे वो स्केड्यूल शेड्यूल करवाई है उसी पे ईमेल पे एक रिप्लाई करो कि आई एम वेटिंग फॉर द कॉल, कोई कॉल हुआ ही नहीं, या नेक्स्ट अपडेट क्या है। आप ऐसे कर सकते हो। अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ऑफर नहीं आया है तो गाइस, 1 मंथ तक भी वेट किया जा सकता है। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 मंथ तक वेट करो और सारा काम भूल जाओ, नहीं, आप साइड बाय साइड दूसरे ऑफर के लिए भी सर्च करते रहो। देखो, आना होगा तो आएगा ही जरूर। देखो, बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, ब्रिजेस होते हैं जो क्रॉस करना पड़ता है चाहे को, जैसे सैलरी कंफर्मेशन करवाना है, इनका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, इसके अकॉर्डिंग कितना स्लैब आता है सैलरी का, वो मैनेजमेंट की तरफ से, इनके हेड डिपार्टमेंट की तरफ से कंफर्म होके, अप्रूवल होके आपका ऑफर लेटर बन के तैयार होगा, तब ये सेंड करेंगे आपको। तो टाइम लगता है बॉसेस में, आप घबराएं नहीं। अगर आप सिलेक्टेड हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, तो डेफिनेटली आएगा। बट एक चीज, एचआर आपको कॉल करके ये ना बोल दे कि पोजिशंस होल्ड पे है। अगर ये सिचुएशंस हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। और देखो, दूसरे कंपनी की बात कर रहा हूं, जैसे कि बहुत सारे एक्सेल के बारे में पूछते हैं, सेंचर के बारे में पूछते हैं, कॉग्निजेंट, टीसीएस, सबके बारे में पूछते। देखो, सबका अलग अलग प्रोसीजर है। अगर आप टीसीएस में हो या कॉग्निजेंट में हो, देखो सेम डे वेरिफिकेशंस कर देते हैं कॉल पे, आपका पीएफ के लेके हो या फिर जो भी है वेरिफिकेशंस वो कर देंगे और ऑफर 3 4 दिन में भेज देते हैं, आपको सेंड कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टीसीएस का एक दो बोल आप बात कर सकते हैं कि जब तक उनका वेरिफिकेशन पूरा नहीं होता, मतलब एचआर की तरफ से आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया वो सही है या नहीं है वो पूरा चेक करते हैं, देन उसके बाद से ऑफर देते हैं। देखो, और एचसीएल के बारे में बता दूं आपको कि अगर एचसीएल में आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है तो गाइस वेट करो, डेफिनेटली मिल जाएगा आपको ऑफर लेटर। हाँ, उसमें 2 वीक 3 वीक लगता है, बट आप क्या करना, बीच बीच में एचआर को फॉलो अप करते रहना, इन द सेंस कि कॉल तो करना ही मत, आप ईमेल करना उनको। अगर आप व्हाट्सएप से एचआर जोड़ी हुई तो व्हाट्सएप कर देना, वो जरूर डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगी। देखो, एचआर लोग के पास भी बहुत सारा प्रेशर होता है, बिकॉज एक आप ही का ऑफर लेटर नहीं है, बहुत लोगों का ऑफर लेटर होता है, इसमें टाइम लगता है, तो आप उनको टाइम दो गाइस। अगर आप रिजेक्टेड हो तो 1 से 2 3 दिन में पता चल जाएगा कि आप रिजेक्टेड हो, अगर रिजेक्टेड नहीं हो तो वो आपको डिले करेंगे, तो बस वेट करो। और वेट करने का मतलब ये नहीं कि सारा काम छोड़ के इसी में लगे पड़े कि ऑफर ले आएगा ऑफर आएगा, नहीं, आप साइड बाय साइड सर्च करते रहो। हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ दिन वेट करना चाहिए, अगर आपके पास दो ऑफर है, सपोज कि लगता है कि मेरे पास एक और छोटा कंपनी का ऑफर है, एक इन्फोसिस का ऑफर है, सपोज इन्फोसिस दे नहीं रहा, तो छोटा कंपनी को 2 दिन 5 दिन 1 वीक डिले कर सकते हो इन्फोसिस के कारण, अगर आपको पॉजिटिव लग रहा है तो। इन सेंस में रुक जाओ, अगर 1 मंथ से ज्यादा हो गया तो भाई मत रुको, प्लीज आप दूसरे नेक्स्ट कंपनी का ज्वाइन करो। अगर बाद में आता है तो आप चेक कर लेना, या तो आप एब्सकॉन कर सकते हो वहां पे, या फिर इन्फोसिस को छोड़ सकते हो। तो इन सिचुएशंस में क्या करें, आप खुद से सोचना, डिसाइड करना, और जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं गाइस।